गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जी सर में। आज 14 अगस्त और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। सितंबर में स्कूल गेम्स चयनित 5546 PTI को नहीं दी नियुक्ति, 21 से बढ़ाकर 32 कर दिए खेल, बजट भी नहीं दिया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल होने वाली प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी किया। नेक्स्ट चलते हैं, गार्गी अवार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में नहीं रुचि, 3 सप्ताह में सिर्फ 14% आवेदन, 31 अगस्त अंतिम तिथि, रजिस्ट्रेशन जरूरी, 54786 बाकी। CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य। स्कूल लेक्चरर हिंदी की काउंसलिंग आज होगी पूरी। स्कूली प्रतियोगिता में जोड़े 11 नए खेल, प्रदेश में 6 जगह होंगे। निर्देशालय ने अब जिलों से मांगे प्रस्ताव। खेल कैलेंडर, नेशनल खेलों के आयोजन इस बार अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। RPSC स्कूल लेक्चरर हिंदी विषय की काउंसलिंग आज हो जाएगी पूरी। सितंबर अंतिम तिथि, RBSE 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन आज से भरे जा सकेंगे। CBSE बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षार्थी की 75% उपस्थिति जरूरी। IIIT कोटा में कमान जयपुर MNIT के पास रहेगी, आज एक और बैच नियमित कक्षा 16 अगस्त से। NIT IIIT सीट छोड़ने पर नहीं मिलेगा रिफंड। पिता ने मिस्त्री का काम कर पढ़ाया बेटा, ग्रेड फर्स्ट शिक्षक में स्टेट टॉपर। समाजशास्त्र के फाइनल रिजल्ट में लतेश की पहली रैंक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य परीक्षा 16 से 13/9/2023 से 18/9/2023 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, IIT छात्रों को पेरेंट्स से हफ्ते में 2 बार बात करनी होगी, तनाव से बचाने के लिए मिड टर्म एग्जाम का एक सेट खत्म किया। 231 करोड़ से कोचिंग हब तैयार, पर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा। नेक्स्ट अपडेट है, भामाशाहों के भरोसे सरकारी स्कूल, इस बार कौन बांटेगा छात्रों को लड्डू। 9 जिलों में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास शुरू होंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त। नेक्स्ट अपडेट है, 31 संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्ष बनेंगे। अब छात्र संघ नहीं, चुनाव पर रोक लगते ही रात 1 बजे RU गेट पर विरोध, दिन भर चला। चुनाव स्थगन का आधार नहीं था, दोपहर 2:30 बजे CM के बयान के बाद हरकत में आए। 5 बजे कुलपतियों की अप्रूवल ली, रात 12:30 बजे रोक। टॉप विदेशी क्लब्स के लिए खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी। फिटनेस ऑफिसर हायर कर रही हैं कंपनियां। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का चर्चा सुविचार। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत बोलो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।